नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार जीविका देश भर में टॉप स्थान पर, 10 लाख से ज्यादा बने स्व सहायता समूह, 4 साल में 2 लाख स्व सहायता समूहों की हुई बढ़ोतरी। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला, अनुमंडल को हिस्सों में बांटकर होगा ट्रांसफर पोस्टिंग, शिक्षक अब जिले के भीतर ही होंगे ट्रांसफर। 688 कंपनियां बिहार आने को तैयार, जमीन की कमी बनी अड़चन, निवेशकों को चाहिए 5600 एकड़ जमीन। अब लोगों को वीआईपी इलाकों जैसी अब मिलेगी सुविधा, अब आम लोगों को मिलेगी निर्बाध बिजली आपूर्ति, 11 केवी तारों को निचले स्तर पर जोड़ा जा रहा है। और दिनेश के बायोपिक में काम करना चाहते हैं विक्रांत मैसी, दिनेश कार्तिक के लाइफ स्टोरी से प्रभावित हैं विक्रांत, बायोपिक के लिए उत्साहित हैं। अब खबरें विस्तार से। बिहार एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर अपने आर्थिक विकास के मामले में अव्वल साबित हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार जीविका की, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में देश भर में पहले स्थान पर है। बता दें कि बिहार में अब तक 10,81,000 से अधिक स्व सहायता समूह तैयार किए गए हैं, जो कि किसी भी राज्य के मुकाबले में सबसे अधिक है। इतना ही नहीं, पिछले 4 सालों की अगर हम बात करें तो स्व सहायता समूह की संख्या में 2 लाख का इजाफा हुआ है, और अब तक 34,500 करोड़ रुपए से अधिक का लोन भी बिहार ने बैंक से लिया है, जो दिखाता है कि बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं। बिहार फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड द्वारा 14 नवंबर को पटना में बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में कक्षा 5 से 8 तक के बच्चे हिस्सा लेंगे, जहां हिंदी, अंग्रेजी और विदेशी फिल्मों का प्रदर्शन होगा। बच्चों को पंजीकरण के दौरान अपनी पसंदीदा फिल्म चुनने का अवसर भी मिलेगा। फिल्म देखने के लिए बच्चों को स्कूल का आईडी कार्ड लाना बेहद जरूरी होगा। इसके अलावा 14 और 15 नवंबर को कला संस्कृति एवं युवा विभाग और बिहार ललित कला अकादमी द्वारा बच्चों के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी। पंजीकरण के लिए QR कोड और गूगल लिंक विभाग और ललित कला अकादमी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 688 निवेशकों को पहली मंजूरी दी है, लेकिन एक अहम समस्या सामने आई है, जमीन की कमी। इन निवेशकों को लगभग 5,600 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जबकि राज्य सरकार के पास केवल 1,500 एकड़ भूमि उपलब्ध है, और ये भी छोटे टुकड़ों में। इस स्थिति के कारण निवेशक जो है अन्य राज्यों की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे बिहार के रोजगार के लक्ष्य पर असर पड़ सकता है। राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने बताया कि लैंड बैंक बनाने की योजना पर काम चल रहा है, और इसके लिए जिलों के अधिकारियों को निर्देश भी भेजे गए हैं। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा कि बिहार में औद्योगिक विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न किया जा सके। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि अब प्रत्येक अनुमंडल को आवश्यकता के अनुसार कई हिस्सों में बांटा जाएगा। इसके बाद शिक्षकों को उनके जिले के भीतर ही ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे उन्हें स्कूल तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के अनुसार यदि अनुमंडल बड़ा होगा तो उसे 2 से 5 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा, जबकि छोटे अनुमंडलों को 2 से 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। इसके बाद शिक्षक अपने कार्य क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव भी किए जा रहे हैं, ताकि ये प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो सके। स्वास्थ्य विभाग ने माताओं और गर्भवती महिलाओं के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम है सुमन कार्यक्रम। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसव के दौरान और उसके बाद माताओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव से लेकर इसके बाद तक की किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी से बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस नई योजना के तहत अगर किसी महिला की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना देने वालों को सरकार 1,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं को मातृ मृत्यु की सूचना देने पर 200 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। सरकार ने कहा कि टोल फ्री नंबर 104 पर मातृ मृत्यु की सूचना दे।
अब बिहार में वीआईपी इलाकों की तर्ज पर आम लोगों को भी निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलने की तैयारी है। बिजली कंपनी ने एक अहम निर्णय लिया है जिसके तहत विभिन्न ग्रिडों को आपस में जोड़ा जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि एक ग्रिड से बिजली आपूर्ति बंद होने पर दूसरी स्रोतों से तुरंत बिजली की सेवा बहाल हो सके। इसके अलावा 11 KV के तारों को भी निचले स्तर पर जोड़ा जाएगा ताकि किसी भी इलाके में बिजली की खराबी आने पर आपूर्ति बाधित ना हो। बिजली कंपनी ने इस योजना की पूरी कार्य योजना तैयार कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट को स्वीकृति मिलने के बाद इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा और इसे अगले 2 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आज दूसरा दिन है और राजगीर के खेल परिसर में इस टूर्नामेंट को लेकर जोश और उत्साह जो है 7वें आसमान पर है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा रखा गया है। हर 10 कदम पर सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं और केवल पास वाले दर्शकों को ही एंट्री मिल रही है। आपको बता दें कि कल पहले दिन थाईलैंड की टीम को चीन के खिलाफ 15-0 से भारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज उनका मुकाबला जो है जापान से होगा। वही दूसरा मुकाबला जापान और मलेशिया के बीच होगा और फिर तीसरे मैच में भारत की टीम साउथ कोरिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। कल टिकटों की बिक्री महज 3 मिनट में पूरी हो गई थी और आज भी दर्शकों में वही गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार के युवा लेखक ऋत्विक आर्यन ने मानसिक रोग पर एक ऐसी किताब लिखी है जो न केवल समाज में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को उठाएगी बल्कि हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हम इस विषय को कितनी बार नज़रअंदाज कर देते हैं। 24 वर्षीय ऋत्विक ने मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों की जिंदगी को करीब से महसूस किया और इसके लिए उन्होंने आगरा और रांची के प्रमुख पागलखानों में 18 महीने बिताए। उनकी किताब आउट ऑफ मैडनेस 24 नवंबर को विमोचित होगा। बुलवुन इंक कंपनी ने इस उपन्यास को छापा है जिसे बुलुमसरी इंडिया के संस्थापक सदस्य परवीन तिवारी ने शुरू किया है। बुक रिलीज होने से पहले ही इसकी चर्चा शुरू होने लगी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्नातक सेमेस्टर 2 की परीक्षा लगभग 2 महीने पहले आयोजित की गई थी और अब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा है। इसी बीच कुछ छात्र छात्राओं ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षा पास कराने के लिए अजीबोगरीब बहाने दिए। एक छात्रा ने लिखा कि सर ससुराल में पढ़ाई नहीं हो सकी, प्लीज पास कर दीजिए। वही एक छात्र ने अपनी स्थिति बताते हुए लिखा कि घर में परिवार के सदस्य वायरल बुखार से पीड़ित थे और उनकी देखभाल करते करते मैं भी बीमार हो गया जिससे परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाई। इसके अलावा कुछ छात्रों ने भावुक आग्रह भी किए कि यदि वे पास हो जाते हैं तो जीवन भर वे शिक्षक का एहसान नहीं भूलेंगे। एक छात्र ने लिखा कि अगर मुझे पास कर दिया जाता है तो मैं आपको पूजा करूँगा। इधर मुजफ्फरपुर में इंटर सेंटर परीक्षा के पहले दिन अफरा तफरी का माहौल बन गया जब परीक्षा के प्रश्न पत्र समय पर संबंधित स्कूलों और कॉलेजों तक नहीं पहुंचे। इस लापरवाही के चलते जिले के कई विद्यालयों में परीक्षा में देरी हुई। जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार सिंह ने 17 स्कूलों के हेडमास्टर और 2 कॉलेजों के प्राचार्यों से स्पष्टीकरण मांगा है। DEO अजय कुमार सिंह ने बताया कि जिन स्कूलों और कॉलेजों ने निर्देशों की अवहेलना की और समय पर प्रश्न पत्र नहीं उठाए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार के 4 विधानसभा उपचुनाव का चुनाव प्रचार सोमवार शाम को समाप्त हो गया। बुधवार को मतदान होगा। NDA और महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है जबकि पहली बार चुनावी मैदान में उतरे जनसुराज के लिए ये अग्नि परीक्षा साबित हो सकती है। NDA ने विकास डबल इंजन सरकार और राजद के पुराने शासन के दौरान बिगड़ी विधि व्यवस्था को मुद्दा बनाया। वहीं महागठबंधन ने सरकारी नौकरियों और हालिया अपराधों के आंकड़े पेश किए। 2020 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटों में से केवल इमामगंज में NDA को जीत मिली थी जबकि बाकी 3 सीटें राजद और माले के पास थी। NDA लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है जबकि इंडिया गठबंधन अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए एक्टिव है। बसपा ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब चुनाव परिणाम 23 नवम्बर को आएंगे जब जनता का समर्थन किसके पक्ष में होता है ये साफ हो जाएगा। एक दुखद खबर, बलिया और साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बिहार सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री श्री नारायण यादव का सोमवार रात बीमारी के कारण पटना में निधन हो गया। श्री यादव ने 1980 में पहली बार बलिया विधानसभा से विधायक पद का शपथ लिया और इसके बाद 1990 से 2005 तक बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद 2 बार चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने 2014 में साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर विधायक पद पर वापसी की
और 2020 तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री नारायण यादव के निधन की खबर के बाद उनके समर्थक और कार्यकर्ता में शोक की लहर है। उनका पार्थिव शरीर बुधवार को साहेबपुर कमाल पहुंचेगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी जनसुराज पार्टी द्वारा बिहार में होने वाले उपचुनाव को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि उपचुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये नीतिगत मुद्दा है और अदालतों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि अन्य राजनीतिक दलों को इस चुनाव से कोई समस्या नहीं है और केवल जनसुराज पार्टी को ही इसका विरोध है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की आगामी 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में होने वाली रैली को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल लोजपा के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित होने वाली इस रैली की तैयारी महीनों से चल रही थी। पार्टी ने इसे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा माना था, लेकिन अब पंचायत स्तर पर पैक्स चुनाव 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक होने के कारण इस महत्वपूर्ण रैली को स्थगित करने का निर्णय लिया है। बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका सपना है कि वे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज और अनुभवी क्रिकेटर दिनेश कार्तिक के बायोपिक में काम करें। विक्रांत मैसी ने बताया कि वे दिनेश कार्तिक की संघर्षपूर्ण यात्रा से बेहद प्रेरित हैं और इस कहानी को पर्दे पर उतारना चाहते हैं। विक्रांत ने कहा कि कार्तिक की यात्रा वाकई प्रेरणादायक है। वे एक अद्भुत व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी कमेंट्री से लेकर क्रिकेट के मैदान पर शानदार वापसी की है। बता दें कि दिनेश कार्तिक ने जून में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था। अब वे 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB के बल्लेबाज, कोच और सलाहकार के रूप में जुड़ने जा रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, संजीव कुमार, राजेश राज, राजेश राज शर्मा, गोनर शर्मा, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन, रवि मोहन वर्मा, मुन्ना प्रसाद, उमेश ऋषिदेव, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, विकास कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, नौसाद रजा, सानवी गुप्ता, बाबूलाल मरांडी, नोयद अहमद खान, राकेश मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, शिक्षकों की पोस्टिंग उनके गृह जिले में होना उचित है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए बिहारी न्यूज़ देखते रहिए, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।